हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इसमें है लेट एक वस्तु ये डिटर्मेंट दिया है वेयर थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई थीटा जीरो से टू पाई के बीच में है देन डिटर्मेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो डिटर्मेंट ऑफ ए की वैल्यू यह आपको डिटर्मेंट ऑफ ए की वैल्यू की रेंज बतानी है दो से चार के बीच में है या दो से इन्फिनिटी के बीच में या फिर इसकी वैल्यू जीरो है तो ए मेट्रिक से दी हुई है इसका डिटर्मेंट बताना है तो डिटर्मेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं ये आएगा वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा और वन ये आपका डिटर्मेंट है रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर लें वन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इसका और अंदर आएगा इसका माइनर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो हो जाएगा जीरो इसके बाद प्लस वन ये एलिमेंट इसका माइनर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन तो ये आ जाएगा वन इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यह हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो तो ये तो आपके डिटर्मिनेट ए की वैल्यू आ गई अब आपको क्या बताना है इसकी रेंज बतानी है जीरो तो नहीं है वन प्लस साइन स्क्वायर वन में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड ही किया है तो इसकी रेंज देखते हैं कैसे देखते हैं अब थीटा क्या दिया है जीरो से टू पाई तो साइन थीटा क्या होता है ज़ीरो से टू पाई के बीच में कम से कम माइनस वन होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लस वन होता है इसको आप साइन थीटा के ग्राफ से भी देख सकते हैं साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है ये पाई ये टू पाई ये वन यहां पे माइनस वन होता है मिनिमम वैल्यू तो जहां से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन जाती है उसके बाहर नहीं जाती तो साइंस थीटा माइनस वन से वन हो गया अब साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां जाता है यहां इसको देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा चाहिए हमको ये वैल्यू हो जाएगी जीरो से वन के बीच में नेगेटिव तो होता है नहीं है स्क्वायर और जहां से ज्यादा कितना जाएगा वन जाएगा माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है अब हमें चाहिए वन प्लस साइंस स्क्वायर थीटा तो मैं क्या करता हूँ तीनों साइड में वन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा वन प्लस ज़ीरो वन यहाँ पर वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और राइट right साइड में वन प्लस वन ये हो गया टू तो वन प्लस साइंस स्क्वायर थीटा वन से लेकर टू के बीच आएगा हमेशा अब ट्वाइस ऑफ ये चाहिए हमें रिटामेंट है तो टू इंटू वन प्लस साइंस स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करते हैं तीनों साइड में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों को टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और टू पॉजिटिव नंबर है तो ये ऑर्डर ऐसा रहेगा टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटर और टू इंटू टू फोर और ये वैल्यू क्या है डिटामेंट ऑफ ए यह है टू से लेकर फोर के बीच में मतलब डिटामेंट ए क्या आएगा टू से फोर के बीच ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है ये है डिटामेंट टू टू फोर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है मतलब टू और फोर नहीं ले सकता वैल्यू इसमें है टू और फोर वैल्यू ले भी सकता है और टू और फोर के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है और हमारा आंसर है टू वैल्यू आ रही है इसके अंदर इंक्लूड हो रही है और फोर वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया